जिस दिल दिया अपना कई दिल को तोड़ गए, जो हमें हंसाते थे पई रोता छोड़ गए, जो हमें हंसाते थे एक प्रेमी अपने प्रेम के बारे में कह रहा है, अरे बेवफा तो शादी होने के बाद अपने पति के साथ बड़ी ऐसा आराम कर रही है, लेकिन जरा सा मेरे बारे में भी सोचा है? और ये बेवफा, मैंने दिल से प्यार किया, हाँ मैंने दिल से प्यार किया, सुन दिल को तोड़ दिया, उस दर्द ने रुला दिया, मेरे दिल में घाव किया, उस दर्द ने रुला दिया, ओ बेवफा। जब बचपन में हम तुम एक साथ पढ़ने के लिए जाते थे, न जाने तो कितनी किस्म खाती थी, रात के 12-12 बजे तक तेरा फोन चलता रहता था, लेकिन ओरी बेवफा आज एक बार तेरा SMS भी नहीं आता, मैं क्या करूं, तू तो बड़े पत्थर की निकली और बोला हंसाते थे वही दिल को तोड़ गए, जो हमें हंसाते थे वही रोता छोड़ गए, पूरी बेवफा मैं तेरे लिए कुछ कह भी तो नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्यार किया है तुझसे, तू तो अपने पति के साथ बड़े आराम से रह रही है, लेकिन मैंने सच्चा प्यार किया है तुझसे और बोला तूने सपने दिखाए मुझको, ना दूरी रहेंगे तुमसे, बेवफा जब कहती थी तब यही कहती थी मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगी, छोड़ दिया कोई बात नहीं है तूने छोड़ दिया, अच्छा किया, लेकिन ओरी पागल एक बार मेरा हाल फोन पे तो ले लेती, ओरी पागल तूने सपने दिखाए मुझको, ना तो रहेंगे तुमसे, तूने सपने दिखाए मुझको, ना दूर रहेंगे तुमसे, तूने दर्द दिया है मुझको, उम्मीद न थी तुमसे,
हंसाते थे भाई दिल को तोड़ी गए, जो हमें हंसाते थे भाई दिल को तोड़ी गए। आइए दोस्तों गौर करते हैं देव स्टूडियो हाथ मत के सौजन्य से, मैं राहुल नगला गोपाल से आइएगा। जिस दिल दिया अपना कई दिल को तोड़ गए, जो हमें हंसाते थे कई दिल को तोड़ गए, जो हमें हंसाते थे कई दिल को तोड़ गए। बेवफा जिस दिन से तूने मेरा साथ छोड़ा है ना, तब ते जैसा निकी मुँह पे एक मुस्कान लाया, तेने छोड़ो है तब से सनी और गोभी तो मेरी तरफ भी नहीं देखते। इनका मुझे बहुत भरोसा था, जिस दिन से तूने छोड़ा है तब से इन्होंने भी मुझसे मुख मोड़ लिया और बोला जिसको अपना माना मैंने उनसे धोखा पाया। मुझे अपने लोगों ने हाँ, मुझे अपने लोगों ने हाय ऐसा लूट लिया, मुझे अपने लोगों ने लूट लिया। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे देव स्टूडियो हाथ मत के सौजन्य से, ये गजल पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चाहते हैं कि हमारी आवाज में और गजल आए तो कमेंट जरूर करें। इसी चैनल पर आपको हमारी आवाज में गजल मिलती रहेगी। धन्यवाद।